हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। आई एम तरुण हियर और आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मेंस के पेपर 7 का पार्ट 2, जिसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बारे में और साथ ही साथ स्पोर्ट्स यानी कि खेल के बारे में। खेल के बारे में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपसे पूछ दिया गया कि ये वाला गेम कहाँ पर हुआ, या फिर ये फलाने जो पुरस्कार जो रहते हैं जैसे कि खेल पुरस्कार से संबंधित या किसी खिलाड़ियों के योगदान से संबंधित, वो कंपेरेटिवली थोड़े आसान हो जाते हैं। लेकिन क्या यदि आपको अंदर की चीजें पूछ दी जाए, मतलब किसी एक विशेष खेल के किसी एक विशेष टर्म्स को पूछ दिया जाए, जिसको हम जानते हैं स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी या फिर हम कहते हैं खेल शब्दावलियां। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई ये फलानी चीजें किस खेल में पाई जाती हैं, आप उसको विस्तार पूर्वक लिखिए, उसका वर्णन करिए, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप बोलोगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? आपने जो थंबनेल बना रखा है, थंबनेल लगा रखा है कि पेनाल्टी किक वर्सेस पेनाल्टी शूटआउट, तो यार ये पेनाल्टी किक वर्सेस पेनाल्टी जो शूटआउट है ये तो फुटबॉल का गेम है, यानी कि फुटबॉल में आता है। तो क्या फुटबॉल में ये चीजें जो आप बता रहे हो सर, क्या आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। बोले सर कैसे यकीन करें? आइए तो यहां पर मैं एक थोड़ी सी झलकियां आपको दिखाऊंगा, मतलब ये केवल डेमो बोल सकते हो, मतलब ये झलकियां बस हैं, आपको अंदर की चीजें बाद में पता चलेगी। जैसे कि क्वेश्चन आया है कि क्रिकेट के जो खेल में व्हाइट बॉल क्या होता है, अब आप सोचिए कितने नंबर का होगा, 8 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा रहे थे। हालांकि कुछ 2 मार्क्स के हैं, कुछ 4 मार्क्स के हैं, लेकिन भाई 8 नंबर तक टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उठा के देख लीजिएगा। ये तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। फुटबॉल में पूछा गया है, जैसे एक चैंपियनशिप होता है ना तुम्हारा यूरोप में, उसके बारे में पूछ दिया गया है, भाई बताओ वो क्या चीज होता है। चैंपियंस लीग के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेड और येलो कार्ड क्या होता है, 8 नंबर में पूछा है, बताओ। मतलब आपको पूरे अंदर की चीजें पता होनी चाहिए। क्रिकेट का तो भले दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सर केवल क्रिकेट का है, नहीं, फुटबॉल के मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए, इसलिए एक बार फिर से मैं फुटबॉल को लेकर आया हूं। और उसके पीछे कारण भी है कि भाई अभी 2022 में हुआ था फाइनल, तो फाइनल हुआ था इन द सेंस अभी जो फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा था, तो ज्यादा समय हुआ नहीं है और चांसेस है कि इस बार के पेपर में शायद उसको पूछा जाए, इसलिए मैं उसको टॉपिक को मैंने चूज किया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक और ऑलरेडी मिलेंगे आपको। आप देख सकते हैं यहां पर पूछा गया फॉलो ऑन क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई फॉलो ऑन को सबसे पहले तुमको ये बताना पड़ेगा ना कि क्रिकेट के जो गेम होते हैं उसमें आपके 3 स्वरूप होते हैं, 3 फॉर्मेट होते हैं, T20 होता है, ODI होता है और आपका टेस्ट होता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंतर्गत आता है, इसका मतलब आपको डीप नॉलेज चाहिए। जो क्रिकेट का खेल देखते हैं उनको तो खैर पता चलेगा, वो तो बना लेंगे। अब उनका क्या जो फुटबॉल नहीं देखते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये जो मैं बड़ा क्वेश्चन आपको बनाने वाला, मतलब ये मान के चलो आप कम से कम 8 नंबर 100 वर्ड्स तो आपके पास होने चाहिए किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन आया है हॉकी में पेनाल्टी शूटआउट क्या होता है, भाई जिन्होंने चक दे इंडिया देखा होगा वो तो आराम से इसको बना सकते हैं, व्हाट इज द पेनाल्टी शूटआउट, है ना, जो लास्ट में होता है ना शाहरुख खान जब बोलते हैं कि या खुदा ये तो सीधा मारेगी, वही था पेनाल्टी शूटआउट, राइट। फुटबॉल का भी पेनाल्टी शूटआउट लगभग वैसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है क्रिकेट के खेल में मैडन ओवर क्या होता है, ये बताओ, मतलब समझ रहे हो ना, ये ऐसी चीज है कि कई बार जानते हो भी आप लिख नहीं पाओगे। मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ भाई कि एक ओवर में हमने बॉलिंग करी, 6 बॉल्स होते हैं, उसके बाद जब उस दौरान जो बैट्समैन रहता है एक भी बॉल पे वो रन नहीं बना पाता तो हम उसको मैडन ओवर कहते हैं। तो यार इसको शब्दों में लिखना है, चैलेंजिंग है आपके लिए, जानते हो भी कई बार लिखना आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो अब कुछ बच्चों का सवाल है सर ये PSC क्यों पूछता है भाई ऐसे क्वेश्चंस, यार देखिए PSC क्यों पूछता है, ये तो आप अधिकारी बनिए उसके बाद करना सवाल कि सर ऐसे क्वेश्चंस क्यों आते हैं। फिलहाल हम क्यों आते हैं उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आएंगे तो कैसे बनाया जाएगा इस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इस पर हम विचार करेंगे। क्योंकि आप खुद समझिए आप इसको लेकर मतलब न्यायालय में चले जाओगे सर ऐसे मतलब बेतुके क्वेश्चन, और देखिए लाजमी आपकी बात की यार वो अधिकारी बनाना चाह रहे, लेकिन आई डोंट नो कि इतने बड़े स्तर पर वो आपसे डीप लेवल का वो भी 8-8 नंबर के लिखने लायक पूछना चाह रहे कि भाई बताओ ये फलाने स्पोर्ट्स में टर्मिनोलॉजी कैसी होती है। मतलब आपको अधिकारी ना बनाया, आपको क्रिकेट का फुटबॉल का एक्सपर्ट बना दिया उन्होंने। अब ये तो खैर यार उनकी समस्या है, लेकिन समस्या तो समाधान तो आपको करना पड़ेगा, और कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, चैलेंजेस तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अभी तो बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे जब आप अधिकारी बनेंगे, तो उसको आप साइड में रखिए। आप तो ये मान के चले कि अगर ऐसा आता है तो आपसे बनना चाहिए। इसका एक यार आप पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी ले सकते हो कि जो ईजी या आसान है उसको तो हर कोई बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन को कौन बनाएगा। बोले सर ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। आप 8 नंबर के लायक क्या, आप अगर 16 नंबर का भी आता, हालांकि आपका आएगा नहीं, 10 नंबर मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर पेपर में, तो 16 नंबर का भी यदि आता, 20 नंबर का भी यदि आता जैसे पहले जमाने में आता था, जमाने इन द सेंस 5-6 साल पहले, तो भी आप उसको लिख पाओगे। मैं पूरी एक एक चीजें यहां पर परत दर परत आपको चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं, आपको जस्ट इमेजिन कराऊंगा मैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फुटबॉल के इस मैदान के बारे में।
बोले सर आप पेनाल्टी शूट आउट और किक बताओ ना, इसको क्यों बता रहे हो? बच्चा क्या होता है ना कि मेंस एक ऐसा चीज है कि जिस क्वेश्चन को आप लिखना चाह रहे हो उसको पढ़ लो, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ, जो क्वेश्चन पूछा है उसको लिखो। मैं क्या बात कर रहा हूं, लिखना और पढ़ना मतलब आपके आंसर शीट में वही होना चाहिए जो उन्होंने पूछा है, आपको एक्स्ट्रा चीज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके आसपास की पूरी चीजों को आप याद रख लो। कारण यह है कि जब और भी अन्य प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो, उसको डील कर सकते हो, उसको आप बना सकते हो। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ भाई, कुछ डिश मिले ना मिले, अगर वहां पर मेन कोर्स का आप मेनू देखोगे तो यह पनीर का लंबा चौड़ा लिस्ट मिलेगा। पनीर पसंदा, पनीर भुर्जी, पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का मसाला, मतलब समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ वैरायटीज। आपको क्या लगता है कि भाई ये मतलब सबके लिए अलग अलग मेहनत करना पड़ता होगा, सब में कुछ एकदम विशेष? ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। पनीर कॉमन है सब में, मसाले लगभग यूनिक है, कॉमन है सब में। किसी में कुछ एक्स्ट्रा स्वीट वाले आइटम डालेंगे, किसी में कुछ मिर्च वाले आइटम ज्यादा डालेंगे, किसी में बटर ज्यादा डाला जाएगा, किसी में कैप्सिकम ज्यादा डाला जाएगा, किसी में पनीर को बड़ा बड़ा करके डाला जाएगा, किसी में पनीर को छोटा छोटा डाला जाएगा, किसी में पनीर को भुर्जी बना दिया जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब आइटम वही रहेगा, आइटम उनके पास लिमिटेड है, उसको विभिन्न तरीकों से क्या किया जा रहा है, परोसा जा रहा है। तो वैसे ही आप क्या करिए, फुटबॉल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन, तो भाई सबसे पहले तो आप ये याद रख लो उसका मेजरमेंट होता कैसे और इन एरियाज को क्या क्या बोला जाता है, एटलीस्ट ये याद रख लो। और बाकी का तो नहीं पता, इस क्वेश्चन के लिए आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्यों याद रखनी पड़ेंगी मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से देखना। फुटबॉल में इस प्रकार से आपका जो जो रेक्टेंगल जो शेप रहता है, यहां यहां पर जो आपको नेट टाइप का जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सिंपल सी बात है, यहां पर गोल होता है और दोनों ही ओपोनेंट साइड के, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर टीम ए और टीम बी है। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अर्जेंटीना और फ्रांस का ले लेता हूं, क्योंकि दोनों के बीच फाइनल हुआ तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों के खिलाड़ी जो लोग हैं यहां पर रहते हैं स्टार्टिंग में। अर्जेंटीना का अगर गोलकीपर यहां पर है, मतलब फ्रांस वाले लोग गोल यहां पर करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहला अर्जेंटीना का गोलकीपर यहां पर है, गोलकीपर ना, तो फ्रांस वाली पूरी की पूरी टीम गोल कहां पर करेगी, यहां पर करेगी, मतलब अर्जेंटीना को गोल बचाना होगा इधर वालों को। और अर्जेंटीना वाले लोग गोल यहां पर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये फ्रांस वाले का गोलकीपर यहां पर खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जिस टीम का गोलकीपर जहां पर खड़ा होगा उसकी ऑपोजिट वाली जो टीम है वहां पर गोल किया करेगी। दूसरा सर, यहां पर आप लोगों को देखो खिलाड़ियों में भी रहता है, जैसे कि क्या होता है, एक होता है डिफेंडर होता है, एक होता है स्ट्राइकर होता है। तो स्ट्राइकर जनरली कहां रहता है, आगे की ओर रहता है ना, वो क्या करेगा, वो गोल करने वाली टीम के मतलब जहां पर गोल करना है उधर वो लीड करते हुए रहता है। डिफेंडर कहां रहता है, इस साइड रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जहां पर जिसका गोल बचाना है तो वहां पर डिफेंडर्स होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर स्पॉट कहते हैं। बेटा याद रखना, ये गोल इस प्रकार का बना रहता है सेंटर सर्कल, और बीच में जो एकदम इक्वल जो लाइन रहेगी इस लाइन को कहा जाता है सेंटर स्पॉट। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां पर एक लाइन रहती है जिसको हम लोग कॉर्नर आर्क बोलते हैं, चारों कॉर्नर में आपको मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्नर आर्क बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे टॉपिक का, मतलब जो मैं अभी टॉपिक चूज किया हूं पेनाल्टी किक और आपका पेनाल्टी शूट आउट, उसमें महत्वपूर्ण जो होने वाला है वो यहां पर जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी, आप देख पाएंगे यहां पर, देखिएगा, इसको हम लोग जा रहे हैं पेनाल्टी स्पॉट कहेंगे दोस्तों, याद रखना। क्या बोलेंगे, पेनाल्टी स्पॉट। इस सब पॉइंट्स को याद रखो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, खेल के भी दिखाऊंगा, मतलब मैं नहीं खेलूंगा, वहां पर जो प्लेयर्स खेले और कैसे गोल हुआ वो भी दिखाऊंगा, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। इसको मैंने क्या बोलना है, इसको हमने बोलना है पेनाल्टी स्पॉट, ठीक है क्या? अब यहां पर जो एरिया रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, गोल एरिया कहूंगा, और ये आपका सिंपल आपका नेट वाले एरिया जहां पर आपका गोल हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो बॉक्स आपको जो नजर आ रहा है, इस बॉक्स को हम जानते हैं पेनाल्टी एरिया के रूप में। आप इन तीन चीजों को जरूर याद रखिएगा, बाकी याद रखो या ना रखो, सबसे पहले इस पेनाल्टी एरिया को याद रखना और इमेजिन करना अपने दिमाग में। अभी जब वीडियो दिखाऊंगा ना मैं प्ले करते हुए उनको, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, इसलिए फिर से बोल रहा हूं, चाहो तो आप रफ पेज में से ड्रॉ कर लो, क्योंकि जब मैं उसको प्ले करते हुए दिखाऊंगा तो ये पेज तो नहीं रहेगा आपके पास, मतलब ये वाली स्लाइड तो रहेगी नहीं, तो आप एक काम करना, एक रफ पेज में से बना लो कि हाँ सर ने ये कहा था, और वहीं वहीं से उन लोग गोल करेंगे, वहीं से ही गोल करेंगे, आप देखिएगा। तो आप एक काम करिए, आपने एक लाइन बनाई ऐसे, उसके बाद ये कैसा आपने ये वाली लाइन बना ली, तो इस लाइन को मतलब ये जो गोल आपको, सॉरी ये जो एरिया जो नजर आ रहा है, इसको हमने क्या कहा, पेनाल्टी एरिया कहा। यहां पर जो इस प्रकार का जो दिख रहा है बेटा, इसको हमने क्या बोलना है, इसको हमने बोलना है गोल एरिया। और इधर जो रहता है अंदर में, इसको हमने बोलना है, इसको हमने बोलते हैं अपन नेट बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलेंगे अपन इसको, नेट कहेंगे, ठीक है। पेनाल्टी जो स्पॉट है वो यहां पर है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन आए चाहे मत आए, अगर आपसे बड़ा प्रश्न लिखने के लिए कह रहा है तो आप
आपको बेटा याद रखना है कि इस पर्टिकुलर गोल वाले पॉइंट से पेनाल्टी स्पॉट की जो दूरी रहती है वो रहती है, आप जस्ट ये मेजरमेंट करिए, जैसे यहां पर इतना दोनों का मेजरमेंट है ना 11 मीटर या फिर 12 यार्ड, तो ये जो दूरी रहती है मेरे दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की दूरी, कौन सी दूरी बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पेनाल्टी किक और शूटआउट में डिफरेंस बतानी है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीके एक ही हैं, लेकिन निर्णय दोनों में बहुत अलग होते हैं और टाइमिंग भी दोनों की बहुत अलग होती है, मेथड वही है। यानी कि दोनों में किक कहां से मारा जाएगा बेटा, इस पेनाल्टी स्पॉट से, कहां पर मारा जाएगा, इधर मारा जाएगा। कौन मारेगा, उदाहरण के तौर पे अगर यहां पर अर्जेंटीना का गोलकीपर है तो जो गोल मारेगा वो फ्रांस की टीम है, और अगर फ्रांस का गोलकीपर है तो जो गोल मारेगी या जो गोल मारेगा जो बंदा वो कहां का रहेगा, वो दूसरे यानी कि ऑपोजिट टीम का हो जाएगा। दोनों में गोल सेम जगह से मारा जाएगा, लेकिन दोनों की मेथोडोलॉजी, मतलब दोनों की जो मेथोडोलॉजी है वो अलग है, मारने के तरीके सेम है, बचाने के तरीके सेम है, लेकिन दोनों के सिद्धांत अलग अलग हो जाने हैं कि कौन किसका उपयोग कब कहां पर किया जाएगा। इसको मैं पूरे वन बाय वन आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है क्या। चलिए, तो इतना तो आप सभी को समझ आ गए होगा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर की होनी चाहिए, 11 मीटर का होना चाहिए। तो आपने दो लाइन यहीं से लिख ली भाई। सबसे पहले आपको बताना है कि पेनाल्टी शूटआउट और जो पेनाल्टी किक होता है, ये दोनों के दोनों जो है वो फुटबॉल वाले गेम में आपको देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर। फिर आपको बताना है उदाहरण के तौर पे, आप टीम ए और टीम बी ऐसे करके ले लेना उदाहरण के तौर पे, या पंजाब हरियाणा ऐसे कोई सा भी टीम ले सकते हैं, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस अर्जेंटीना भी ले लेना, तो कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। उदाहरण के तौर पे कुछ भी ले लो, ए भी ले लेना, सबसे बेस्ट है, उससे आपको ये नहीं लगेगा कि आपने किसी टीम के फेवर करी है, ठीक है। ए और बी ले लेना, तो आप बताना कि भाई अगर बी टीम का गोलकीपर यहां पर है तो ए टीम वाले यहां पर क्या करेंगे, गोल करेंगे। अब सर ये सब छोड़िए, मेरे को बताइए कि होता कैसे। आइए तो आपको यहां पर दिखाते हैं बेटा। सबसे पहले देखिएगा यहां पर, थोड़ा सा नजर डालिएगा आप, मैंने फिर से कहा था ना, ये वाला देखिए, ये वाला बड़ा सा आपको लाइन दिख रहा होगा, मैंने पहले बोला था ड्रॉ कर लो, करके नहीं किया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से ड्रॉ कर लेना। ये बड़ी सी आपको पट्टी यहां पर नजर आ रही है, इसको हमने क्या बोलना है, पेनाल्टी वाला एरिया कहेंगे। ये तुम्हारा गोल एरिया हो जाएगा, और इस प्रकार से यहां पर डी जो है बना हुआ है। ध्यान से देखते रहिएगा, यहां पर कुछ खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, जो खिलाड़ी व्हाइट कलर के जो ड्रेस में है वो अर्जेंटीना वाले हैं, और जो आपको पर्पल या फिर डार्क ब्लू कलर में जो नजर आ रहे हैं वो तुम्हारे फ्रांस वाले खिलाड़ी हैं। अब देखना यहां पर क्या होगा ना, इस पेनाल्टी वाले बॉक्स के अंदर एक खिलाड़ी जो है, ध्यान से देखते रहिएगा, है ना, ये जो खिलाड़ी बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर जो खिलाड़ी जो बॉल पकड़ा है, फुटबॉल पकड़ा है, इसको गिराने की कोशिश करी जाएगी। ये मैं पेनाल्टी किक का बता रहा हूं कि पेनाल्टी किक क्यों और कैसे मिलेगा, कहानी समझिएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा कि लिखना कैसे है। तो ये जो बंदा है ना, इसको अंदर जब ये आता है तो उसको गोल करने से मना किया जाएगा, या फिर यूं कहें कि इसको गिराने की कोशिश करी जाएगी। ध्यान से देखना, ये देखो इस बंदे ने उसको गिरा दिया, मैं फिर से दिखा रहा हूं। अब देखो ये जो बंदा है ना, ये जो आपको रेड कलर का जो दिख रहा है, सिटी बजा रहे हैं, हुई हुई, ये कौन है, ये तुम्हारा रेफरी होता है, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, ये बता दिया कि यार तुमने उसको गिराया। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो बंदा है व्हाइट कलर का, ये अर्जेंटीना वाला बंदा है, इसके पीछे जो एक बंदा आपको नजर आएगा, देखना, ये उसको गिरा दिया, ये बंदा इसको गिरा दिया, और उसके बाद बोल रहा है अरे 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 मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बोला बेटा तू नजर से नहीं बच सकता, रेफरी सब देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, रेफरी ने देखा कि भाई तूने इसको गोल करने से रोका है। फिर से बोल रहा हूं मैं, अर्जेंटीना का खिलाड़ी है, यानी कि ओपोनेंट टीम का खिलाड़ी है, और ये गोल दागना चाहता है, इसका मतलब गोलकीपर कौन सी टीम का है, गोलकीपर फ्रांस की टीम का है, और फ्रांस की टीम को या फिर फ्रांस के गोल में ये गोल दागना चाहता है, और फ्रांस का जो दूसरा खिलाड़ी है उसको गोल दागने से रोक रहा है। ऑफकोर्स रोकेगा भाई, उसकी मतलब उसकी एक क्या बोलना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो गोल ना होने दे, लेकिन गोल कैसे रोको, आप कैसे रोक सकते हो, आप अपने पैर से रोको, लेकिन वो तो उसको गिरा दिया। जब इस प्रकार से हरकतें करी जाती है, याद रखना, जब ऐसी हरकतें होती हैं तब क्या करते हैं, जो रेफरी रहता है, देखो उधर रेफरी है, और रेफरी कहता है कि भाई आपने गोल करने से रोका है, यानी कि फ्रांस की टीम ने या फ्रांस की टीम के किसी खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के किसी खिलाड़ी को वहां पर गोल करने से रोक दिया। कैसे रोका, पैर से रोकोगे या बाय रूल रोकोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको धक्का दे दिए या आप उसके आगे में आके ऐसे खड़े हो गए और कुछ और कर लिए, कुछ भी, मतलब अनैतिक तरीके से यदि आपने नियम को तोड़ते हुए ऐसा किया तो फिर आपको उसके बदले मिलेगी पेनाल्टी। ये पेनाल्टी मतलब होता है सजा, और सजे के तौर पर मिलेगा आपको किक। अब किक कौन करेगा,
आपने गोल करने से किसको रोका था? अर्जेंटीना को। इसीलिए अर्जेंटीना का कोई भी खिलाड़ी बोले, याद रखना यहां पर कोई भी मतलब कहीं बाहर से नहीं, उस मैदान में जो खिलाड़ी है, 11 11 की टीम होती, याद रखिएगा, है ना, 11 फ्रांस 11 अर्जेंटीना, तो जिस खिलाड़ी को रोका गया वो भी कर सकता है, और उसके अलावा जो भी वहां पर है। Point to be noted, my lord, याद रखना, इसको लिखते चलो जो बोल रहा हूं मैं। कोई भी खिलाड़ी जो उस मैदान पर मौजूद है अर्जेंटीना का, कोई भी खिलाड़ी यहां पर गोल लेने आ गया, जैसे आप देख सकते हैं नंबर 10 लियोनेल मेसी। अब ये क्या करेगा बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने वापस बोला था, वापस जाके देखो जहां पर मैंने डायग्राम बनाने बोला था आप लोगों को। ये बाहर वाला जो है बड़ा सा है बॉक्स, ये अंदर वाला छोटा सा बॉक्स, उसके बाद ये तुम्हारा गोल पोस्ट, और ये जो गोल पोस्ट से यहां पर जो दूरी है बेटा, ये वाली, ये 11 मीटर की दूरी है, याद रखना, और इनके बीच कोई नहीं रहेगा। ये गोल कीपर जो दिख रहा है ये तुम्हारा कौन है? ये जो गोलकीपर है ये तुम्हारा फ्रांस का। बोले सर ये तो अलग कलर का पहने सर, ये लोग क्या बोलते हैं, ब्लू या पर्पल पहने सर, ये येलो कलर का पहने। बेटा हमेशा याद रखना, गोलकीपर हमेशा यूनिक दिखे, अलग दिखे करके उनका जो जो कपड़े का जो रंग रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब ये क्या करेगा, ये जो बंदा है इस गोल को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये असफल हो जाता है। देखिए ये लियोनेल मेसी आए और इन्होंने दाग दिया गोल, ये हो गया गोल। मतलब अब ये जो गोल है बेटा, याद रखना, अब ये जो फ्रांस की टीम है यहां से देखना एक से यहां पर आगे हो जाती है, देखो सॉरी अर्जेंटीना की जो टीम है ये एक से आगे हो जाएगी। फिर से आप देखिए ये यहां पर गए और इन्होंने सिंपल आसान तरीके से क्या कर दिया, गोल कर दिया। मतलब अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, समझ में। इन दोनों के पेनाल्टी किक में क्या होगा कि फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जब अपोजिट टीम का कोई खिलाड़ी आपको गोल करने से रोके किस प्रकार से, अनैतिक तरीकों से, यानी कि नियम के विरुद्ध यदि रोके, तो क्या करते हैं रेफरी उसको एक सजा देते हैं और यह कहते हैं कि आप गोल पोस्ट से 11 मीटर की दूरी से आप कोई भी खिलाड़ी जो उस मैदान में मौजूद है उस टीम का, यानी कि ओपोनेंट टीम का, वहां पर फ्री में गोल कर सकता है। केवल गोलकीपर जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा, बीच में कोई नहीं आएगा। अगर गोल हो गया मतलब एक पॉइंट, और गोल नहीं हो पाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा, इसको किसके रूप में जाना जाता है, पेनाल्टी किक कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद एक जो रहता है जिसको हम लोग जानते हैं नॉर्मल, यानी कि मैदानी गोल होता है, तो मैदानी गोल तो कॉमन है, खेलते खेलते अचानक जब कोई खिलाड़ी, जैसे देखो इन्होंने इनको पास किया और यहां से आके इन्होंने गोल दाग दिया, ये मैदानी गोल है, मतलब ये नॉर्मल है, इसमें कोई किक नहीं, मतलब कोई पेनाल्टी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल ये प्लेइंग हो रहा था, मतलब गेम चल रहा था, और इधर से खिलाड़ी आता है एक दूसरे को पास करते हैं और पास करने के बाद इन्होंने गोल कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल गोल, या फिर जिसको जानते हैं हम लोग मैदानी गोल। अब समझना ये पेनाल्टी किक आपको समझ आ गया, व्हाट इज द पेनाल्टी किक। अब जो मैं बता रहा, अच्छा इस मैच में एम्बापे को भी एक पेनाल्टी किक मिला था, याद रखिएगा, उन्होंने भी सेम तरीके से जो है किक किया था, तो फ्रांस जो स्कोर है वो थोड़ा सा जाके फिर आगे बैलेंस हो गया था। अब जब स्कोर बैलेंस हो जाता है, बैलेंस कहने का मतलब है या तो 0-0 रहे, या तो 1-1 रहे, 2-2 रहे, 5-5 रहे, कितना भी हो सकता है, जितना गोल इस टीम ने करी है उतना ही गोल इस टीम ने करा, कब तक, एक नियत समय तक। नियत समय मतलब सर कितने मिनट का, तो टाइमिंग होता है 90 मिनट्स का, कितने मिनट का, 90 मिनट का, यानी कि 45-45 मिनट के हमारे पास दो हाफ होते हैं, एक हाफ 45 मिनट, दूसरा हाफ 45 मिनट। 90 मिनट के दौरान, यानी कि गेम का जो आखिरी सिटी बज रहा है उस दौरान, यदि दोनों टीमें समान स्कोर पर है, चाहे 0-0, 1-1, 2-2, जितना भी रहे, जितना इन्होंने किया उतना इन्होंने किया है, दोनों अगर समान स्कोर पर है तो इनको एक अतिरिक्त समय फिर से दिया जाता है, कितने मिनट का, 30 मिनट का, मतलब टोटल 120 मिनट का समय इनको दिया जाएगा कि भाई 120 मिनट में आप लोग अपना निर्णय ले लो। कुछ कुछ जगह 120 मिनट का फिर से कुछ अतिरिक्त समय दे देते हैं अगर लगे तो, अदरवाइज अमूमन यह होता है कि 120 मिनट के बाद भी यदि निर्णय ना हो, ध्यान से समझना, 120 मिनट के बाद भी यदि निर्णय ना हो या फिर से दोनों समान समान गोल पर आ जाए, मतलब पहले 2-2 पर थे उसके बाद 3-3 हो गया 120 मिनट के बाद, तब ये क्या करते हैं, एक निर्णय लिया जाता है। क्या होता है, जैसे भी आप लोगों को बताया ना मैंने पेनाल्टी किक दिखाया, वैसे ही रहेगा, लेकिन अब तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम कहेंगे कि भाई दोनों टीमें तो आपस में गोल करने से रही, अब मैं काम करूंगा, एक बार अर्जेंटीना का गोलकीपर यहां पर रहेगा और फ्रांस का खिलाड़ी यहां से गोल करेगा, जैसे पेनाल्टी किक में किया था सेम वैसे ही, फिर तुरंत वहीं पर दूसरे बार क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो गोलकीपर आएगा वो फ्रांस का जाएगा और जो खिलाड़ी जो गोल करेगा वो कौन हो जाएगा, तुम्हारा अर्जेंटीना का हो जाएगा। ऐसा देखा जाएगा, पहले 5 चांसेस इनको दिए जाएंगे पहली बार में, याद रखना 5। अब 5 में ये भी हो सकता है ना, मान लेते हैं कि शुरू के 2 गोल अर्जेंटीना ने नहीं किए और आखिरी के 3 गोल कर लिए, तो टोटल कितने हो गए इनके, 3 हो गए, और मान लेते हैं फ्रांस ने शुरू के 2 गोल कर लिए और आखिरी के 3 नहीं कर पाए, तो कितना हो गया इनका, 2 हो गया, तो 3 और 2 तो जीता कौन, अर्जेंटीना। ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं,
तो पांच पांच मौके इनको दिए जाते हैं पेनाल्टी शूटआउट में। ये कब किया जाता है, ये निर्णय तब लिया जाता है जब दोनों ही टीमें समान स्कोर पर रहे एक नियत समय के दौरान। मतलब एक निर्धारित समय का जब गेम होता है, पहले 90 मिनट का, फिर अतिरिक्त समय का गेम होगा टोटल 120 मिनट का, और उसके बावजूद अगर निर्णय ना हो, मतलब कोई भी विजेता घोषित ना हो, तब क्या किया जाता है, पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा या पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से यह जो निर्णय लिया जाता है, बिल्कुल पेनाल्टी किक की तरह होगा। पांच पांच चांसेस दोनों टीमों को बारी बारी से, एक साथ नहीं, बारी बारी से। बारी बारी का मतलब क्या होता है बेटा, इधर देखो, समझना, बारी बारी का मतलब समझिए आप, है ना। ये देखिए, ये सबसे पहले अलग से गोल किया गया, ये पहला गोल हुआ है ना, ये फ्रांस की टीम ने किया, ठीक है, तो फ्रांस की टीम का एक गोल हो गया। अब इधर देखो, ये अर्जेंटीना की टीम कर रही है, ये अर्जेंटीना टीम का दूसरा गोल हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इधर से फिर दूसरी टीम आएगी, मतलब फिर से फ्रांस आ जाएगी, फिर इस प्रकार से। तो ऐसे क्या करेंगे लोग, लगातार गोल करते चले जाएंगे। अब मान लेते हैं कि पांच पांच में भी भाई संभावना यह है ना, कि जरूरी थोड़ी कि सभी के सभी गोल हो, मान लेते हैं फिर से तीन अर्जेंटीना और तीन फ्रांस ने किया, फिर से तीन तीन की बराबरी पर आ गया, या दो अर्जेंटीना और दो फ्रांस ने किया, या जीरो जीरो फिर से हो गया, मतलब पांचों के पांचों गोल अर्जेंटीना भी नहीं कर पाई और फ्रांस भी नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके बाद आता है सडन डेथ, याद रखना इसको, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या है सडन डेथ, मतलब अचानक मृत्यु, तो हिंदी में अचानक मृत्यु मत लिखना, यह मैं तुमको बता रहा हूं, मैं इसको सडन डेथ ही लिखना, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, सरोता का सा, डमरू कड्डा, नल का ना, सडन हो गया, उसके बाद फिर है डमरू कड्डा, उसमें ए की मात्रा ए, और ये क्या बोलते हैं था, समझ रहे हो ना, था वाला था जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सडन डेथ इंग्लिश में तो आप लिखी लोगे, तो सडन डेथ क्या होता है समझिएगा, पांच और पांच दोनों चांसेस मिले इन लोगों को, दोनों ही चांसेस इन लोग भुना नहीं पाए। अब क्या होगा, अब बोलेंगे कि भाई देखो बात ऐसी है, अब जो भी एक गोल किया, मतलब दो चांसेस मिले और दोनों चांसेस की, या एक चांसेस मिला, एक खैर एक में तो निर्णय नहीं होगा, दो चांसेस मिला और दो चांस में एक टीम ने एक गोल किया और एक टीम ने दो गोल किया, तो जिसने दो गोल किया वो जीत गया। नहीं समझा, मैं बता रहा हूं, पांच और पांच का रूल अब खत्म हो चुका। अब छठी बार गोल किया जाएगा, फिर से छठी बार में मान लेते फ्रांस ने एक गोल दाग दिया, इधर अर्जेंटीना ने एक गोल फिर से दाग दिया, फिर इक्वल इक्वल हो गया, फिर फ्रांस को मौका मिला, फ्रांस नहीं दाग पाया, इधर अर्जेंटीना को मिला, अर्जेंटीना ने गोल दाग दिया, मतलब कहानी वहीं पर खत्म। मतलब जैसे ही एक अंक बढ़ गया, समान, मतलब दोनों को समान मौका दिया जाएगा, समान मौके में कोई एक टीम अगर किसी एक ज्यादा गोल कर दी दूसरे टीम से, दूसरे मतलब ओपोनेंट से, दो ही टीमें रहेंगी ऑफ कोर्स, तो फिर उसको फाइनली विजेता जो है वो घोषित किया जाता है। तो ये जो मैच हुआ था यहां पर अर्जेंटीना और फ्रांस का, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था, कितने गोलों के अंतर से हराया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, समझ आया, ऑफ कोर्स समझ आया होगा, आपके लिए इतनी मेहनत जो करी गई है, तो आप लोग अपने कमेंट्स जरूर करिएगा, और किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं टॉपिक आप जरूर मेंशन करिए। मिलेंगे हम ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। सी यू देयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।